कटनी पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो रोज सुबह इंटरसिटी ट्रेन से रीवा से कटनी जाया करता था। कटनी से मोटरसाइकिल चुरा कर उसी दिन रीवा भाग आया करता था। 32 से ज्यादा चोरी स्वीकारी, अभी तक 17 बरामद की। 32 मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी कटनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दर्जन से अधिक बाइक चुरा कर अलग अलग जिलों में बेची है। आरोपी को यह भी याद नहीं उसने कितनी बाइक चोरी की। हालांकि अभी तक 17 बाइकें बरामद हो चुकी हैं। आरोपी को लेकर कटनी पुलिस रीवा आई है जिसने बड़ी संख्या में चोरी की बाइक बरामद की। कुछ बाइकों को आरोपी ने काट कर उसके पार्ट बेच दिए थे। उसकी निशानदेही पर अलग अलग गाँव से वाहनों को बरामद किया जा रहा है। रीवा के शातिर बदमाश ने अकेले कटनी जिले से 2 दर्जन से अधिक बाइक पार कर दी। सुबह इंटरसिटी से कटनी जाया करता था, दिन में एक बाइक लेकर रीवा आ जाता था। कई साल से वह इस तरीके की चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। कटनी पुलिस ने उक्त आरोपी को जब पकड़ा तो उसने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पूरी 32 गाड़ियां चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी ने सारी गाड़ियां रीवा व सीधी के अलग अलग स्थानों में बेची। आरोपी को लेकर 4 वाहनों में कटनी पुलिस की टीम रीवा आई। इस टीम ने अभी तक आरोपी की निशानदेही पर 17 बाइकें बरामद कर ली जो उसने हनमना, शाहपुर, मऊगंज, नईगढ़ी या यूं कहा जाए रीवा जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर उसने बेची। शातिर चोर इतना बदमाश है, वह सुबह रीवा से ट्रेन से कटनी जाया करता था, बाइक पर नजर रखता था, बाइक लेकर सीधे वह सड़क मार्ग से उसी दिन शाम तक रीवा आया करता था। इस तरीके से वह वहां पुलिस की नजर में भी नहीं आ पा रहा था। अब जब कटनी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, अभी तक 17 वाहनों को उसने बरामद करवा दिया है रीवा जिले के अलग अलग इलाकों से। आरोपी को लेकर पुलिस इन दिनों रीवा जिले के अलग अलग गांव में घूम रही है, जहां भी उसने बाइक बेची उन सभी को जब्त कर रही है। बताया गया कि 4 बाइक तो उसने काट दी जिसके पुर्जे बरामद हुए हैं। उससे शेष वाहनों को बरामद करने के लिए पुलिस टीम क्षेत्र में घूम रही है। माना जा रहा है सारे वाहनों को बरामद करने में अभी 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है। मऊगंज में एक कटनी का अपराधी है जो कटनी से चोरी करके इस तरफ बाइकों को बेचता था। कटनी पुलिस और रीवा पुलिस के संयुक्त अभियान से लगभग जो है 25-26 गाड़ियां उनसे बरामद की गई हैं और उससे पूछताछ जारी है कि वो यहाँ से कितनी गाड़ियाँ चोरी किया है। अभी तक ये उससे जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस की पड़ताल जारी है।